हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आज मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये भुर्जी की रेसिपी बनाए हैं। और वैसे तो उनको भी टाइम नहीं मिलता है, बट फिर भी उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाल के एक बढ़िया सी रेसिपी बनाई है। तो हस्बैंड जी, बताइए आपने ये रेसिपी कैसे बनाई है। चार कांदा ले लीजिए, चार कांदे को आपको स्लाइस में कट कर लेना है, टमाटर और हरी मिर्ची लेना है। तो उसके बाद बताइए आपने क्या किया है। मैंने एक फ्राई इनको आ रही है हंसी, तो इसलिए वो नहीं बताना चाहते। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक फ्राई पैन लेना है, उसके अंदर आपको 3 से 4 चम्मच आपको तेल डाल देना है। तेल को अच्छा गर्म होने दीजिए। चलो, इन्होंने पका लिया, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे तो पकाने में इनको कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट कभी कभी मन करता है तो एक दो चीज़ें हैं जो आती है तो वही पका लेते। तो कांदे को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे हल्का ब्राउन होने तक। मुझे इनकी इस रेसिपी पता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और उनको बताने में काफ़ी पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ। अच्छे से इसे ब्राउन कर लीजिए। आप कुछ बोलना चाहोगे? बहुत अच्छे से इसे फ्राई कर लीजिए, तब तक इसका कलर चेंज हो जाए। बस हल्का पिंकिश करना है, इसके बाद आपको इसमें टमाटर डाल देना है। बहुत यम्मी रेसिपी ये बनती है, बहुत अच्छा लगता है अंडी की ये भुर्जी, और मेरे हस्बैंड की तो ये मेरे को तो बहुत पसंद है उनके हाथ की। इन केस अगर कभी मैं बीमार रहती हूँ, कुछ रहती हूँ, तो वो बनाते, वरना तो कभी कुछ बनाते नहीं है, और ना ही उनको कुछ आता है। लेकिन हाँ, इतना है कि ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए कुछ भी बना लेते हैं। हरी मिर्ची डालना है 3 से 4, और 1/2 टीस्पून से भी कम हमें हल्दी डालना है। 1 टीस्पून आपको काली मिर्ची डालना है। काली मिर्ची से आपको अंडे के अंदर काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और 1/2 टीस्पून नमक। ये हम 4 अंडे की भुर्जी बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप उस हिसाब से अपनी मिर्ची और नमक आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कम ज़्यादा। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप एक बार बना के देखिए, आपको ये भुर्जी की रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। मैं जब एक बार फर्स्ट टाइम मैंने भी खुद खाई थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरे हस्बैंड ने बनाए थे, बट बहुत अच्छे से उन्होंने ये रेसिपी बनाए थे, भुर्जी की रेसिपी। आप इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे दम पे दे दीजिए ताकि टमाटर कांदा वगैरह हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए, ये अच्छे से गल गया हमारा टमाटर। टमाटर गलने तक आपको अच्छे से इसे पका लेना है। मेन भुर्जी में यही है कि जो हम कांदा टमाटर वगैरह डालते हैं वो अच्छे से गल जाना चाहिए। अब मैंने चार अंडा ले लिया इन्होंने। 4 अंडा इसके अंदर अभी हम लोग डाल देंगे तोड़ के। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए, और सारे हस्बैंड अपने वाइफ के लिए ज़रूर वीक में या मंथ में जब भी आपको टाइम मिले, प्लीज़ अपनी वाइफ के लिए कुछ बनाइए, उन्हें खुश कीजिए। जैसे मेरे हस्बैंड ने आज मुझे खुश किया है, वैसे आप भी कीजिए। बिकॉज़ यार, यही छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कि हमें हम वाइफ लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी पसंद आती है जब हमारे हस्बैंड हमारे लिए करते। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड तो मुझे हर चीज़ में काफ़ी सपोर्ट करते, ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसमें सपोर्ट नहीं करते। चाहे मैं जॉब करना चाहूँ तो जॉब कर सकती हूँ, जो चाहे मैं अपनी लाइफ में कर सकती हूँ, वो हर चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट करते, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो देखिए, मैंने इन्होंने इसे ढाप दिया था ताकि ये जो हमारे अंडा है वो अच्छे से मैश हो जाए। अब इसे अच्छे से आप मैश कर लीजिए अपने स्पून की मदद से। बहुत यम्मी रेसिपी बनती है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए आप घर पे। स्पेशली हस्बैंड लोग अपनी वाइफ के लिए बना के ये ज़रूर दीजिए, और करना भी चाहिए, क्योंकि वाइफ जो करती है वो तो उनको तो पूरा साल, मतलब उनको कोई छुट्टी नहीं होती है खाने पकाने से, वो हमेशा ही खाना पकाते ही रहते हैं। और अगर कभी उन्हें एक टाइम भी अगर रेस्ट मिल जाए और उन्हें नहीं पकाना हो तो कितना अच्छा लगता है उसके लिए। और इसमें थोड़ा सा हम गार्निश करने के लिए कोथमीर डाल देंगे। देखिए कितनी सिंपल थी और कितनी ईजी और फटाफट से बन गई थी, और बहुत यम्मी लगती है ये भुर्जी की रेसिपी। आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है? और अगर आपको अपनी वाइफ को खुश करना है तो ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी ट्राई कीजिए और बनाइए। अब आप बोलो, अच्छे से मिक्स करते जाना है आपको।
बस अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसे कोथमीर डालने के बाद बस 5 मिनट के लिए मिक्स करके इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अब मेरे हस्बैंड बताएंगे आपको इस रेसिपी के बारे में कि इन्होंने ये रेसिपी की। व्यूअर्स, ये रेसिपी मैं अपनी वाइफ के लिए बनाई है। आप भी अपनी वाइफ, बहन, मदर के लिए आप बना के वुमेंस डे पे आप उनको खुश कर सकते हैं। सबको मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। ये रेसिपी बहुत ही इजी, टेस्टी और बहुत ही सिंपल है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे वुमेंस डे पे बना के ब्रेकफास्ट में दिया था। आप अलग अलग रेसिपीज़ बना सकते हो मेरे चैनल से और अपनी वाइफ, अपनी मदर, अपनी सिस्टर को खुश कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।